my line. माफ करना बेटा, आज टहलने नहीं गया तो सोचा सुबह सुबह भजन और खबरें सुन लूं। खैर कोई बात नहीं बेटा, तुम जाकर सो जाओ। वेरी गुड, अब जाकर सो जाओ। खुद को तो कोई काम है नहीं और हम लोग से कह रहे हैं जाकर सो जाओ। उपाध्याय आज आपसे मुखातिब हूं। अक्सर दिल करता है आप सबसे बातें करूं, जहन में अक्सर कई सवाल गुलबुलाते हैं, अनेक आशंकाएं भान उठाती हैं, पर उत्तर नहीं मिलता। मेरे बेटे की खास हिदायत है कि मन की कोई बात गैरों से न करूं, पर दिल आपको गैर नहीं मानता। चलते चलते जिंदगी की शाम आ गई, नहीं जानता कब मंजिल आ जाए। पीछे मुड़कर देखता हूं तो यादों के ना जाने कितने एल्बम खुल जाते हैं। पेड़ों के कुंजों के नीचे दौड़ते भागते, जब थके हारे हम घरों को लौटते तो मां बाट देखती मिलती। प्यार में पगी शीतल छैया और निहोरों के कोयलों पर सिकती रोटियां। जब तक अम्मा का मन न भरता हम थाली सरका नहीं पाते। लो ये लो, एक हमारी तरफ से, ये लो थोड़ी सब्जी और ले लो। और आज इंतजार होता है कब मना करें और गैस बंद कर दी जाए। खैर ना जाने कब माँ की गोद छूट गई, कब संगी साथी और कब स्लेट पट्टी। आज भी वो मंजर आंखों के सामने घूम जाता है, मानो कल की ही बात हो। सावन का महीना आ गया था, जगह जगह आम की डालों पर झूले लटक रहे थे। ठंडी ठंडी बयार तो कभी बर्फ के दानों से हल्की हल्की फुहार। गांव भर में रौनक थी, सबके घर बहन बेटियां आ गई थीं। हम सब स्कूल से लौटते हुए दो चार पेंगे न बढ़ा ले तो मन नहीं भरता था। हम सब में आकाश को छूने की होड़ लगी रहती। उस दिन भी ऐसी ही ठंडी हवा बह रही थी। अच्छी बातें बताते हैं अम्मा। ऐसी कौन सी बातें बतावे, मैं भी तो सुनूं जरा। तू जाग देखो तब इतिहास वाले मास्टर की बात करे थे। भैया अब हमें भी बताओ ना वो अच्छी वाली बातें। अम्मा इतिहास वाले मास्टर बता रहे थे हमारा देश ऐसा गरीब ना था, हीरे मोती सोने चांदी की भरमार थी, सबको पेट भर रोटी और कपड़ा मयसर था। पर ये गोरी पलटन है ना, इनने सब लूट खसोट लिया और अपने देश ले गए। ये जो इतने मोटे ताजे गोरे चिट्टे दिखते हैं, हमारे भाइयों का खून चूस चूस रहे हैं। ये इंसान का खून पीते हैं, फिर तो ये राक्षस हुए ना। राक्षस ही हैं। देखा गांव में कैसे डेरा डाले हैं, जाने का नाम ही नहीं लेते। उस दिन हम लोग झूले पर बैठे थे, इनके चार आदमी आ गए पेड़ काटने, जैसे इनके बाप का पेड़ हो। बड़ी मुश्किल से मैंने छुड़ाया, फिर मां
मास्टर जी को बताया